जब भी किसी एसएससी को गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं तो उसको ईवे बिल जनरेट करना पड़ता है। ईवे बिल ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने से पहले ही जनरेट करना पड़ता है क्योंकि उसकी कॉपी ट्रांसपोर्टर को कैरी करनी पड़ती है। पर क्या ईवे बिल और ट्रांसपोर्टेशन के बीच में 10 डेज का गैप हो सकता है? I am Rudula Joshi. Welcome you to our channel where we will discuss landmark judgments on GST. इस केस के पेटिशनर पान मसाला के डीलर है। इन्होंने मेघालय की एक पार्टी को गुड सेल की। उसी दिन टैक्स इनवॉइस, बिल्टी और ईवे बिल भी जनरेट किया। पर गुड्स का एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन उसके 10 दिन बाद शुरू हुआ। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जीएसटी अथॉरिटीज ने ट्रक को रोका और गुड्स डिटेन कर दिए। ट्रांसपोर्टेशन की डेट और ईवे बिल की डेट इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था, इसलिए अथॉरिटीज ने पेटिशनर को 100% पेनल्टी का ऑर्डर इशू किया। पेटिशनर ने इसके अगेंस्ट अपील फाइल किया जो कि रिजेक्ट हो गया, इसलिए पेटिशनर ने हाईकोर्ट में पेटिशन फाइल किया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पेटिशनर ने वो ईवे बिल कैंसिल करके नया ईवे बिल जनरेट करना चाहिए था? हाईकोर्ट ने पेटिशनर के खिलाफ डिसीजन दिया। हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर एक बार ईवे बिल का पार्ट बी जनरेट हो गया तो इसका मतलब यह है कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया है। तो अगर गुड्स डिस्पैच नहीं हुए हैं तो इस केस में विद इन 24 आवर्स एसएससी ने ईवे बिल कैंसिल करना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने पेनल्टी का ऑर्डर और सीजर का ऑर्डर अप्रूव किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच अपडेट्स फॉलो लॉजिटेक्स।